सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, आवास तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आवास क्या होता है। किसी भी जीव जंतु या मनुष्य के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? आवास। आवास बोलते हैं। आवास कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्थलीय आवास और जलीय आवास। स्थलीय आवास वो होते हैं जिस स्थल में जीव जंतु रहते हैं, है ना। जो स्थल में जीव जंतु रहते हैं उनके आवास को क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास। उसके उदाहरण है वन, घास के मैदान, ठीक। और जलीय आवास कौन से होते हैं? जो जल में रहते हैं। जो जल में जीव जंतु रहते हैं उनकी आवास को क्या बोलते हैं? जलीय आवास। जलीय आवास बोलते हैं, जैसे झील हो गया, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गई, है ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बुलाऊंगी, ये कुछ चित्र बने हुए हैं, तो बताना है कि स्थलीय आवास है कि जलीय आवास है। चलो ठीक है, इसमें से निकाला मैंने सबसे पहले सूरज। सूरज आओ, पहले तो हमें ये बताओ कि क्या होता है आवास, बताओ, ऐसे बताओ कि क्लास को सुनाई दे। इसमें जीव जंतु का वो स्थान जिसमें वो रहते हैं वह आवास कहलाता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं सूरज? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्थलीय आवास, जलीय आवास। वेरी गुड, चलो ताली बजाओ। जितेंद्र, आओ जितेंद्र, हमें तुम ये बताओ जलीय आवास कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ तालाब कौन सा आवास हुआ? जलीय आवास हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मछली रहती है और वो मछली जल में रहने वाली है, तो कौन सा आवास हुआ? जलीय आवास। बैठ जाओ, ताली बजाओ। आगे का टॉपिक अगले उसमें।